हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर वर्सेस मिडिलवेयर। तो आज का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड मिडिलवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर और मिडिलवेयर के बीच क्या अंतर है। सॉफ्टवेयर और मिडिलवेयर, तो बात करते हैं पहला पॉइंट। सॉफ्टवेयर्स आर एनकोडेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन यूज्ड बाय कंप्यूटर, यानी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन द्वारा एनकोडेड रहता है जो कंप्यूटर यूज करता है। और मिडिलवेयर इज ए सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज इंटरमीडियरी अमंग टू सर्विस और एप्लीकेशंस, यानी मिडिलवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो दो सर्विस या एप्लीकेशन के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज ए प्रोग्राम दैट वर्क्स ऑन ह्यूज वैरायटी ऑफ हार्डवेयर, यानी सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो विभिन्न प्रकार हार्डवेयर को काम कराता है। और इट इज ए प्रोग्राम दैट कनेक्ट्स टू सॉफ्टवेयर टुगेदर, और मिडिलवेयर ऐसा प्रोग्राम है जो दो सॉफ्टवेयर को एक साथ कनेक्ट करता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट्स मेन पर्पस इज ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट और प्रोडक्ट और इन्फॉर्मेशन, यानी सॉफ्टवेयर की जो मुख्य उद्देश्य है वो है इनपुट को आउटपुट या प्रोडक्ट या इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करना। और इट्स मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज एंड कैपेबिलिटीज टू एप्लीकेशंस बियॉन्ड दोज प्रोवाइडेड बाय ओएस। और मिडिलवेयर की जो मुख्य उद्देश्य है वो है ओएस द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले जो एप्लीकेशन है उसमें जो कॉमन सर्विस और कैपेबिलिटीज रहते हैं उसको प्रोवाइड करना। उसके बाद अगला पॉइंट, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर ईटीसी, यानी सॉफ्टवेयर की जो कुछ टाइप्स हैं उसमें है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर ईटीसी। और टाइप्स ऑफ मिडिलवेयर इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन मिडिलवेयर, ऑब्जेक्ट मिडिलवेयर, मैसेज ओरिएंटेड मिडिलवेयर, कंटेंट सेंट्रिक मिडिलवेयर ईटीसी। और मिडिलवेयर की जो कुछ टाइप्स हैं उसमें है ट्रांजैक्शन मिडिलवेयर, ऑब्जेक्ट मिडिलवेयर, मैसेज ओरिएंटेड मिडिलवेयर, कंटेंट सेंट्रिक मिडिलवेयर और भी बहुत कुछ। उसके बाद अगला पॉइंट, फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स फंक्शनलिटी, यूजबिलिटी, इशू ट्रैकर, यूजर डॉक्यूमेंटेशन ईटीसी, यानी सॉफ्टवेयर की जो कुछ फीचर्स है उसमें इंक्लूड है फंक्शनलिटी, यूजबिलिटी, इशू ट्रैकर, यूजर डॉक्यूमेंटेशन और भी बहुत कुछ। और फीचर्स ऑफ मिडिलवेयर इंक्लूड्स रीयूजबिलिटी, सेल्फ डिस्कवरी, सिंप्लीफाइंग डेवलपमेंट प्रोसेस ईटीसी। और मिडिलवेयर के जो कुछ फीचर्स है उसमें इंक्लूड है रीयूजेबिलिटी, सेल्फ डिस्कवरी, सिंप्लीफाइंग डेवलपमेंट प्रोसेस और भी बहुत कुछ। उसके बाद अगला पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स इम्प्रूव डाटा सिक्योरिटी, बेटर अकाउंटिंग, आईटी स्टोर्स, स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन ईटीसी, यानी सॉफ्टवेयर की जो कुछ फ़ायदा है उसमें है इम्प्रूव डाटा सिक्योरिटी, बेटर अकाउंटिंग, आईटी स्टोर्स, स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन और ईटीसी। और बेनिफिट्स ऑफ मिडिलवेयर इंक्लूड स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, इम्प्रूव एफिशिएंसी, अलाउ रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सेस ईटीसी। और मिडिलवेयर की जो कुछ फ़ायदा है उसमें है स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, इम्प्रूव एफिशिएंसी, अलाउ रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सेस और भी बहुत कुछ। उसके बाद अगला पॉइंट, एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स लिनक्स, एंड्रॉयड, कंज्यूमर एप्लीकेशन, फाइल मेकर, एमएस एक्सेस ईटीसी। मतलब सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जाम्पल्स है उसमें है लिनक्स, एंड्रॉयड, कंज्यूमर एप्लीकेशन, फाइल मेकर, एमएस एक्सेस ईटीसी। और एग्जाम्पल्स ऑफ मिडिलवेयर इंक्लूड्स गेम इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, इंटीग्रेशन, ट्रांजैक्शंस ईटीसी। और मिडिलवेयर की जो कुछ एग्जाम्पल्स है उसमें इंक्लूड है गेम इंजीनियर्स, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, इंटीग्रेशन, ट्रांजैक्शन ईटीसी। तो ये था कुछ डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड मिडिलवेयर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।